वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हमारे जो भी भाई बहन ऑक्सीजन फ्लो मीटर जो सिलेंडर के ऊपर लगता है उसके कारण अगर परेशान हो रहे हैं तो उनको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन फ्लो मीटर का हमने एक देसी और बिल्कुल सरल सा उपाय निकाला है, एक वो ये है, आप पाइप लें और पाइप लेके उसको एंड कैप के थ्रू मोड़ दें और एक यू शेप बना लें उसमें से, और बीच में आप देखें, जैसे मैं इसमें पानी भर दूंगा अभी, इसमें थोड़ा सा पानी भर दें जो बीच में यहां तक फिल हो जाए, एक्सेस का पानी आप निकाल दें, उसको हल्का सा मोड़ें तो जितना भी फालतू एक्सेस पानी होगा वो निकल जाएगा। तो अब आपका ये यू शेप में फ्लो मीटर तैयार है। अब आपने कुछ भी नहीं करना, दोनों साइड आपने एमटी लगानी है। एमटी लगा के उसको टेप से सेट कर लीजिए। अगर आपको आधे पौने की एमटी मिल जाए तो बहुत बेहतर है। और यहाँ पे फ्लोमीटर ऑक्सीजन मास्क लगाने के लिए यहाँ पे हमने एक सिरिंज ली है, 5 ml की सिरिंज, उसको तोड़ के इसके अंदर लगा दिया है और इसके ऊपर ही ऑक्सीजन मास्क आ जाएगा। वो अब हम आपको लगा के दिखाएंगे कैसे। भाई और बहनों, जैसा आप देख सकते हैं वो जो हमने बनाया था अभी, हमने उसको टेप लगा के इसमें सेट कर दिया है। अब हमने यहाँ पे जो सिरिंज लगाई है, सिरिंज में हमने ऑक्सीजन मास्क लेके, जो ऑक्सीजन मास्क के साथ जो पाइप आता है उसका एक कोना काट के हमने उसको शॉर्ट कर लिया है ताकि वो सिरिंज के अंदर ऐसे उसको सेट कर दो। और ये ऐसे सेट करने के बाद ये ऑक्सीजन मास्क लेके ऐसे हम अपने मुंह पे लगा देंगे, इसको चला के दिखाते आप एक बार इसके जॉइंट्स चेक कर लें ताकि वो कोई लीकेज ना हो। लगाते हल्के करें, थोड़ा हल्के, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से अभी थोड़ा सा लीक हो रहा है पानी के एक्सेस होने के कारण, बट अब ऑक्सीजन लेवल प्रॉपर होने लगा। आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ पानी थोड़ा सा एक्सेस हो गया था, बाकी इधर आके आप जैसे ऑक्सीफ्लोमीटर में होता है कि उसमें पानी बबल बनाता है, आप यहाँ पे करीब लाके उसकी आवाज भी सुन सकते हैं। आप आवाज सुन पा रहे होंगे इसमें कि इसमें आवाज आ रही है। वो पानी ये बिल्कुल सेम उसी फॉर्मूला पे काम करता है जिसमें ऑक्सीफ्लोमीटर करता है, जिसमें से ऑक्सीजन पहले पानी के अंदर जाती है और पानी के अंदर से प्योरीफाई होके ताकि कोई डस्ट वगैरह ना हो और इसमें हल्का सा मॉइस्चर आ जाए, फिर वो इसके थ्रू निकलती है। मैं आपको दिखाने के लिए ये भी दिखा सकता हूँ, ये देखिए कि ये काम कर रहा है। आप इसमें देख पा रहे होंगे कि इसमें पानी है जो हमारा एक्सेस होने के कारण इसमें आ गया था, बट आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन बिल्कुल क्लियरली इसमें से पास आउट हो रही है। ऑक्सीजन का ये लेने का सबसे बढ़िया तरीका है। मैं सारे भाइयों और बहनों को ये दरख्वास्त करना चाहूंगा कि ऑक्सीफ्लोमीटर के लिए यहाँ वहां भागने की जरूरत नहीं है, आप यही घरेलू और सही उपाय करके अपने घर पे ऑक्सीफ्लोमीटर बना सकते हैं और अपने करीबियों की जान बचा सकते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी।